गांधी जी के दर्शन करो। चले अंदर। The one who scores the final goal. Present our first award. It's Angelina Jolie. And the winner is. Let's go, guys. This is the red carpet for us. press from photographer for us. अच्छा ये अपने लिए है क्या? हाँ. Prince and Meghan से मिलाती हूँ मैं. बहुत बहुत रियल नहीं बनाए। ये केंडल को जानते हो ना? किम कदर्शन को जानते हो? हाँ, उसकी बहन है। किम कदर्शन की बहन, ठीक है। ये कौन है भाई? जायन। कौन जायन? ये कौन है? दुआ लिपा। अरे बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसको मत गिराना बस। चलो आओ। हुई थी जेम्स बॉन्ड दुबला क्यों लग रहा है इसमें? चार्ली अच्छा लग रहा है यार, अनु चार्ली को देखना। शाहरुख, शाहरुख। तेरी एकदम नडाल लग रहा है। यंग वाला नडाल जब उसके बाल थे। तो दूसरे के लिए तैयार हो रही है क्या? शो स्टॉपर थी मैं। हाँ,
ठीक है, रैंप वॉक हो गया इनका। अरे यार अनु यहाँ से देखना कितना सही लग रहा है। एम्स्टर्डम दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छी टूरिस्टिक प्लेस देख लो। ये कौन है? आप नहीं जानते हो? यार ना ये वैक्स में थोड़े अलग लग रहे हैं। अरे हाँ इसको जानता हूँ, बॉब मार्ले। ये कौन है यार अनु? हाँ यार अरे ये सही जगह आए अपन लोग यार। वाओ बराक ओबामा ये सबसे बढ़िया डोनाल्ड ट्रंप लग रहा है। बाल भी एकदम बढ़िया बना है उसके। आओ गांधी जी के दर्शन करो। ये बहुत अच्छा बना है यार। यार ये एन फ्रैंक है अनु। Het ronde afgebakende plekken waar we bij staan is nog veilig. Maar de wolken liggen steeds dichter op ons toe. Ja, ik denk dat het goed is. Die ons van het naderende gevaar schuift, het steeds nauwer toegehaald. Dinsdag, 11 april 1944. Rekenen, dit is eigenlijk niet. Het was half. Nee, essa is haar huis ook, weet je? Geen geluid. Om de beurt kwamen we... अब हम मिलेंगे आइंस्टाइन से। आइंस्टाइन और एकदम सही जगह बिठाया गया था इसको। ये ऐसी अजीब सी हरकतें करता था ये इंसान। मेरे को लगता है ना ये पूरा सेक्शन साइंटिस्ट और वैसे लोगों के लिए। इधर ये है मोनालिसा, कितनी सही लग रही है। बहुत बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाई है यार। ये पेंटिंग क्या है जो वैक्स का स्टैचू बना है, बहुत सही बना है, एकदम ओरिजिनल लग रहा है। ये है हमारी फोटो जो हम लोगों ने यहाँ खड़े होके खिंचवाई है। यहाँ पे काफी इंटरेक्टिव चीज है, पता है आप काफी कुछ कर सकते हो। आप खुद की वीडियो भी बना लो और यहाँ पे आपको नीचे वीडियोस और फोटोज भी मिल जाएंगे, बट वो आपको पेड रहेंगे। बट मुझे तो काफी अच्छा लगा, मतलब कुछ इंटरेक्टिव होता है तो वैसे ही अच्छा लगता है। तो इसमें एक्चुअली करना क्या था ना, ये जो स्कैनर है यहाँ पे आप अपना कोड स्कैन करो, जो हमारे पास ये एक रिसीट है वो स्कैन करो, यहाँ पे खड़े हो जाओ और फिर ये जो ऊपर एक कैमरा लगा है ये कैमरा आपकी फोटो लेगा और फिर इस तरह से आपकी एक फोटो बन के आ जाएगी। बहुत सही है ये। हे गाइस, अभी हम लोग हैं मैडम तुसाद वैक्स म्यूज़ियम में। और वैसे जो मेन मैडम तुसाद म्यूज़ियम है वो लंदन में है, बट उसकी एक ब्रांच एम्स्टर्डम में भी है। हम लोग अभी वहाँ पे हैं और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, बहुत सारी कैटेगरीज के सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे हैं, जैसे स्पोर्ट पर्सनालिटी, पॉलिटिशियंस, सुपरस्टार्स और काफ़ी कुछ है। पेंटर्स हैं और काफ़ी इंटरेक्टिव चीज़ें भी हैं जिसमें आप फोटोज़ ले सकते हैं। जब आप यहाँ पर आओगे ना तो आपको एक बारकोड देंगे, एक कार्ड देंगे जिसको स्कैन करके आप सब जगह अपने फोटोज़ और इंटरेक्टिव चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। Right. और वो वीडियोज़ आप बाद में यहाँ से ले सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो उनकी साइट पे से,
अगर इफ़ यू वॉन्ट। तो अभी हम लोग मार्वल्स वाले उसमें थे, अभी आप देखोगे वीडियो में कि उसमें कितना फन, मतलब काफी फन था वो जगह। उसमें वो आयरन मैन के साथ हम लोगों ने मस्ती करी थोड़ी सी, हल्क के साथ, हाँ। और थॉर के साथ, तो वो सारी चीजें बहुत बढ़िया थी यहाँ पे। और सारे सारे जितने भी ये स्टैचूज हैं बहुत रियलिस्टिक लग रहे हैं, मतलब काफी रियल, मतलब कुछ कुछ तो काफी रियल लग रहे हैं, मतलब इतने रियल लग रहे हैं कि उनके पास जाओ तो ऐसा लग रहा है अभी बोल देंगे ये। और इंडियन में सिर्फ हमारे गांधी जी थे यहाँ पे, बाकी तो सारे मोस्टली, मुझे लग रहा था कि और इंडियंस होंगे, जैसे शायद मोदी जी हो सकते थे या हाँ, फिर शाहरुख हो सकता था, हाँ कोई कोई भी मतलब फिल्म स्टार हो सकता था, बट कोई था नहीं। तो यहाँ नहीं होगा, मैं भी वैसे भी मैडम तुसार में बहुत कम ही इंडियंस है, नहीं नहीं लंडन में ज्यादा है, लंडन में ज्यादा है, यहाँ पे नहीं है कोई। सिर्फ गांधी जी दिखे हमें, जिनके साथ हमने फोटो खिंचवा लिया है और वीडियो भी बना लिया है। तो बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, काफी टाइम लगेगा आपको, मतलब ऑलमोस्ट एक दो घंटे लगेंगे, दो घंटा तो अगर अच्छे से धीरे धीरे करोगे ना तो दो घंटे लगेंगे, अगर आप सारे सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचाओगे तो पक्का दो घंटे लगेंगे, जो कि हम कर रहे हैं। बाकी इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। तो ये हमारा डे वन का सेकंड स्पॉट है जैसा आपको पता है, तो पहले हम लोगों ने एडम टावर किया और अब हम लोग यहाँ पे आ गए। क्या हुआ, हो गया, आगे करना क्या है? टू पे तो पता नहीं क्या है, बी दबा दे यार। ये हाँ, ये देखो लंदन वाली फीलिंग आ रही है। ये हमारे मैडम तुसाद की लिफ्ट है, ये इसे बाबा आदम के जमाने की लग रही है। ये अबे ये गेट नहीं है ना यहाँ पे कुछ है? नहीं। ओ शिट, अबे ये क्या है? हाँ तेरी हालत कैसी हो गई यार अनु? कैसी? थकान के चलते देखे सही तो यार, हम गलत तो नहीं आ रहे गाइस? हमारा डे वन अब खत्म हो गया, हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है और हम लोग अब घर जा रहे हैं। घर मतलब हम लोग हॉस्टल जा रहे हैं। हम लोगों ने आप लोगों को अभी तक हमारा हॉस्टल टूर नहीं दिया है, तो वो हम लोग आपको हमारे डे टू के व्लॉग में दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ पर रुके हैं और उसका जो भी डिटेल्स है वो सब दिखा देंगे। यस, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको एडम टावर और मैडम तुसाद म्यूज़ियम आपको कैसा लगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो को लाइक करो अगर आपको अच्छा लगा है। तो आपसे मिलेंगे हम लोग डे टू में, मतलब हमारे नेक्स्ट व्लॉग में जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। Yes.